Siddhevya Om Namah Siddhevya Om Namah Siddhevya Om Shuddhatmane Namah Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasahunam Siddham Suddham Panamiya Jinindavarne Michandamakalankam Gunarayana Bhusanudayam Jivasya Paruvanam Ucham. आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार जीवकांड की रचना की है. उसमें मार्गणा के प्रकरण में लेशा मार्गणा की हम बात देख रहे थे. इसमें पहले क्षेत्र की बात चल रही है अपनी. क्षेत्र अधिकार यानी विशिष्ट पर्टिकुलर विवक्षित लेशा वाले जीवों ने कितना क्षेत्र अवगाहन रूप से उन्होंने व्यापा है, इसको कहेंगे उस लेशा वालों का क्षेत्र. जैसे कृष्ण लेशा वाले जीव ही अनंत है और रहते कहाँ है तो पूरे लोक में, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो पूरे लोक में है. अन्य जो बादर एक केंद्रीय है, भले वो बादर निगोद भी अनंत है, फिर भी उनका अपना रहने का ठिकाना पूरा लोक नहीं है, ये कहना चाहते हैं. फिर भी पूरे लोक में एक केंद्रीय है, उनके कृष्णादि अशुभ लेशाएँ पाई जाती है. तो कृष्ण लेशा वालों का क्षेत्र कितना है तो पूरा लोक, रहने का भी पूरा लोक है. पूरे लोक में रहते वहाँ वेदना समुद्रात होता वो भी पूरा लोक होगा, कषाय समुद्रात हो जाएगा वो भी पूरा लोक हो जाएगा. ये तो ख्याल में आती है बात. तो इसमें जितना अभी उसमें हमने ये भी देखा था ना, स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान. तो ये एक केंद्रीय जो तो विहार नहीं करते हैं, तो विहार करने वाले जो होंगे वो कम होंगे, समझ में आते. उसकी बात यहाँ भी हम देखेंगे. कृष्ण लेशा वालों में हमने ये बात देखी थी कि जो स्वस्थान वाले कितने क्षेत्र में रहते हैं, पूरे लोक में, और संख्या की अपेक्षा जितने रहते हैं उसके संख्यात बहुभाग प्रमाण आगे आगे वाले निवेदना समुद्घात वाले कषाय समुद्घात वाले हो गए, ये वहाँ कहना चाहते थे. उसकी बात हमने 604 पेज पर देखी थी. अब यहाँ पर हमें वैक्रिक समुद्घात में देखना है, पेज नंबर 605 पर नीचे का पैराग्राफ हम पढ़ेंगे. विक्रिया करने वाले जीव लेना है. कृष्ण लेशा वाले वैक्रिक शक्ति से युक्त जीवों का प्रमाण वैक्रिक कायोगी जीवों के किंचित कम त्रिभाग मात्र है. उसको संख्यात का भाग देने पर वहाँ बहुभाग प्रमाण स्वस्थान में जीव है. ये जो हमने पहले देखा था स्वस्थान में है, उसका फिर जो भाग का बहुभाग फिर विहारवत में है, फिर उसका बहुभाग वेदना में है, फिर उसके एक भाग का बहुभाग वैक्रिक समुद्घात में, ये सब जगह यही प्रमाण है. हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, हम स्थूल रूप से यहाँ चर्चा करेंगे, विचार करेंगे. देखो अधिक से अधिक वेदना समुद्घात वाले के हो सकता है, एक प्रदेश ही उसके यानी उसके जो मूल अवगाहन है शरीर की उसका एक ही प्रदेश बाहर निकसा, हो सकता है किसी के दो ही प्रदेश बाहर, वो तो नहीं के बराबर है. अधिक से अधिक तीन गुना तक निकल सकते हैं मूल शरीर से, तिगुना तक उसका ऐसे आड़ा या आगे पीछे हाइट वाइज उसके बाहर नहीं निकलते, तो इतना उसका क्षेत्र बढ़ सकता है. तीन गुना तीन नौ गुना ऐसा हो जा सकता है, यही यहाँ बताते हैं. अभी हम आगे के पेज पर देखते हैं. तो उन्होंने कितना क्षेत्र व्यापा है ये कहने के लिए पहले में पहले साम उसके पांच प्रकार से कथन आता है. पेज नंबर 606 पर देखो. हाँ, वायु का एक जीव हो गए, स्पर्शन में पूरा पांच राजू लेंगे. इनका ये प्रश्न है, विक्रिया करने वाले कौन कौन से जीव होते हैं? देव और नर की, देवों की यहाँ तो हम कर कृष्ण लेशा की बात चल रही है, तो देवों के कृष्ण लेशा में विक्रिया का सवाल नहीं है. नारकी जीव अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए वहीं पर उनकी विक्रिया हो सकती है. विक्रिया से वो एक यानी पृथक विक्रिया नहीं करते, शरीर ही
बड़ा छोटा जैसे जो कुछ बनाना है वो बना सकते हैं, ये बात है। आपका ये प्रश्न था, तो वायु का एक जीव भी विक्रिया करते हैं और विक्रिया करके पांच राज्यों तक की एरिया अनेक जीवों की अपेक्षा व्याप्त होती है, उसको हम स्पर्शन में मुख्यता से लेंगे। यहाँ भी उनको विक्रिया करने वालों में लेना है, पर एट अ टाइम वर्तमान में उनकी संख्या कम होगी क्योंकि बादर पर्याप्त ही जीव विक्रिया करेंगे। अग्नि का एक भी करते हैं, पर वायु का एक पांच राज्यों तक करते हैं, वैसे अग्नि का एक जहाँ वो रहने की एरिया उधर ही थोड़ी होगी उनकी विक्रिया, इतनी बड़ी विक्रिया अग्निकायकों की नहीं होती। एक ही वायु का एक जीव पांच राज्य, एक नहीं क्योंकि वायु का एक बादर वायु का एक अनेक अनेक जीव है ना, उसमें अनेक जीव मिलकर उनकी जो विक्रिया होती है, तो अनेक जीव कहाँ तक फैले होते हैं, तो पांच राज्यों तक उनकी विक्रिया से वो जाते हैं। वो अलग विक्रिया वैक्रिय शरीर में तो पॉसिबल है, औदारिक शरीर से भी विक्रिया कर सकते हैं। मुनिराजों के जो वैक्रिय रिद्धि है वो उनके औदारिक शरीर से हो रही है। वायु का एक औदारिक शरीर वाले है और उनकी भी औदारिक शरीर से विक्रिया होती है, ऐसा उनका स्वरूप है। जैसे आप देखते हैं ना वायु जो बहती है, टोर्नेडोज होते हैं और क्या चक्रवात होते हैं, उसमें क्या होता है, हाँ साइक्लोन में, तो उनकी भी विक्रियाएँ हैं। हाँ वैक्रिय शरीर नहीं, वैक्रिय उनके शरीर अंगोपांग का वह सत्ता है, ये होना आवश्यक है। अगर उसकी विद्वेल ना करके वो नष्ट हुआ होगा तो उनकी विक्रिया नहीं होगी। विक्रिया करके वो तो शरीर ऐसे विक्रिया से उनकी जो हलन चलन जो होता है उसकी बात है वहाँ पर, हाँ वो सब ले सकते हैं, हम उसमें ले सकते हैं। हम देखते हैं ना जब प्रलय होता है तो क्या होता है, यहाँ की धूल मिट्टी कहाँ तक उड़ती है, तो उसमें वो पवन ही बहता है ना, इतना बहना है ना, हम कहीं ऐसे चल कर जाना ऐसी तो बात नहीं है, वहाँ पर ख्याल में आती है ना बात। हाँ बिल्कुल, असंख्यात रहेंगे, असंख्यात असंख्यात रहेंगे, क्योंकि जैसे इन सभी जीवों की अवगाहना अत्यंत छोटी है, विक्रिया है सारी। हम देखते हैं ना वो टीवी पर या कुछ ऐसे दिखाते हैं ना, अभी ऐसे आने वाला है या कुछ है, तो वो क्या है। हाँ देखो अभी हम यहाँ देखते हैं ये कितना क्षेत्र व्याप्ता है, उसके बताने के लिए पांच प्रकार से बता सकते हैं। उसमें देखो पेज नंबर 606 पर पहली लाइन, इन्हीं का सामान्य लोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, तिर्यक लोक, मनुष्य लोक, इन पांच लोक की अपेक्षा व्याख्यान करते हैं। उसका अर्थ क्या है, जो पूरा लोक है, समस्त जो लोक वह सामान्य लोक है। हम कहें लोक के कितने भाग प्रमाण है, कहेंगे लोक का पूरा लोक है कि लोक का संख्यात्वा भाग है कि लोक का असंख्यात्वा भाग, उसको कहेंगे सामान्य लोक की अपेक्षा कथन करना। मध्य लोक से नीचे वह अधोलोक है और मध्य लोक के ऊपर वह ऊर्ध्वलोक है। मध्यलोक में, मध्यलोक कितना लेना, एक राज्य चौड़ा लाख योजन ऊंचा तिर्यक लोक है, यानी एक राज्य बाय लाख, क्योंकि मेरु पर्वत की हाइट लेना उसमें, 45 लाख चौड़ा और लाख योजन ऊंचा मनुष्य लोक है, मनुष्य यहाँ तक जा सकते हैं ऐसा 45 लाख योजन डायमीटर वाला सर्कल मानुषोत्तर पर्वत तक का और हाइट वाइज 1 लाख योजन तक, उसको मनुष्य लोक कहेंगे। वो तो इतने बहुत छोटे हैं, यहाँ तो 710 योजन से 900 योजन तक का पट्टा है, तो मनुष्य चंद्रमा पर गया इसमें हमको कुछ आश्चर्य नहीं लगता है। और वो सचमुच वहाँ गया कि नहीं वो बात अलग है, परंतु वहाँ जाए तो भी उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लाख योजन कहाँ, वो मेरु पर्वत और उसके टॉप तक जाते हैं, वैद्याधर जाते हैं कुछ, वो विद्या वाले मनुष्य अन्य भी जा सकते हैं, मुनिराज भी जाते हैं, देव उठाकर भी ले जाते हैं, अरे हमारे बालक तीर्थंकर को तो वहाँ जाके वो नहलाते हैं, अभिषेक करवाते हैं, वहाँ जाएंगे लोग।
देखो ये पांच प्रकार से हम बता सकते हैं इसमें देखो तो ये कृष्ण लेशा वाले कहाँ कहाँ है तो सभी क्षेत्रों में स्थित है. अब देखो यानी फिर प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी कि कृष्ण वाले जीव कृष्ण लेशा वाले जीव स्वस्थान यानी सारे एकेंद्रीय भी लेना तो स्वस्थान की अपेक्षा और जो अपने अपने स्थान में ही वेदना करेंगे वेदना समुदाय तो भी पूरे लोक में कषाय समुदाय मारणांतिक समुदाय और उपपाद इनमें जो है वो पूरे लोक में फैले हुए हैं तो उनका क्षेत्र कितना है तो पूरे लोक में स्थित है. ये तो समझ में जैसी बात है. अब कृष्णलेशा वाले जो विहार कर ले उनकी बात पूछ रहे. विहारवत स्वस्थान में प्रवर्तने वाले जीव सामान्य लोक अधोलोक और ऊर्ध्वलोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं. क्योंकि लोक का असंख्यातवा भाग क्यों लिया क्योंकि तिर्यक लोक 100,000 योजन ऊंचा है और एक जीव की ऊंचाई उसके संख्यातवें भाग प्रमाण है. लाख योजन का हम कहेंगे ये 6 फुट भी उसका संख्यातवा भाग हो जाएगा. इसलिए तिर्यक लोक के संख्यातवें भाग में रहते हैं क्योंकि विहार करने वाले कृष्ण लेशा वाले कौन है. नारकी तो विहार करके अपना बिल नहीं छोड़ सकते इसलिए उनको तो नहीं लेना है. तो विहार करने वाले कौन रह गए मनुष्य और तिर्यंश. तो तिर्यंश तो स्वयंभू रमण समुद्र तो अकेला सभी द्वीप समुद्रों के बराबर है. उसकी तो एरिया बहुत बड़ी है ही है और बाकी अंदर के 2.5 द्वीप में भी ले लेना. बीच में समुद्रों में तो कोई जीव नहीं है यानी जलचर नहीं है जल का एक अलग बात है. और सभी द्वीपों में तिर्यंचों की जघन्य भोग भूमि है वहाँ शुभलेशा वाले हो गए इसलिए उसको भी निकाल देना. तो ये स्वयंभू रमण समुद्र लेना और अंदर वाले 2.5 द्वीप लेना. इसमें जो कृष्ण वाले लेशा वाले तिर्यंच और मनुष्य जो कुछ गमन करते हैं उनकी अपेक्षा विहार व स्वस्थान ले सकते हैं. तो यहाँ के जीवों की अवगाहना कितनी है जो लाख योजन का संख्यात्वा भाग जो करोड़वा भाग जो कुछ करेंगे हम उसको संख्यात्वा कहेंगे. इसलिए यहाँ क्या लिखा तिर्यक लोक 100,000 योजन ऊंचा है एक जीव की ऊंचाई उसके संख्यात्वे भाग प्रमाण है इसलिए तिर्यक लोक के संख्यात्वे भाग में है. विक्रिया एक कौन से विहारवत वाले पूरे लोक के अपेक्षा से उसी को कहेंगे वो बहुत छोटा हिस्सा हो जाएगा परंतु तिर्यक लोक की अपेक्षा उसको संख्यात्वा भाग कहेंगे. अभी कृष्ण लेशा का प्रकरण चल रहा है उसी की बात चल रही. बीच वाले उसको नहीं लेना है स्वयंभू रमण समुद्र को लेना है और 2.5 द्वीप को देना है. इतने एरिया में रहने वाले तिर्यंच की मुख्यता है मनुष्य तो थोड़े क्षेत्र में रहते हैं. नहीं एक इंद्रियों के गमन की शक्ति नहीं होती. विहार कौन करेंगे त्रस जीव करेंगे विहार गति नाम कर्म वाले. जाना अलग बात है जैसे जल बहकर जाता है उसको हम ये विहार कर रहे हैं ऐसा नहीं कहेंगे. और वायु कायकों की भी विक्रिया वो अलग बात है. वो गमन शक्ति यानी जैसे चलकर जाना जो बात है विहार गति वाली बात है चाल जिसको हम कहेंगे कैसे चल रहा है जैसे वो लटे वगैरह चल कर जाती है ये तीन इंद्रिय आदि वगैरह जो जीव चलते हैं हम आप चलते हैं वैसे वो चलकर नहीं जा रहे. एक इंद्रियों में वो चलकर जाने की शक्ति ही नहीं है उनका वो तो विहार गति का उदय ही नहीं है. वो तो अपने क्षेत्र से क्षेत्रांतर करते हैं इस तरह से उसकी अलग अलग अपेक्षा से कहीं कुछ बातें आती हैं. अभी वो अपना यहाँ विषय नहीं है. त्रस नाम कर्म का उदय है वो त्रस है स्थावर नाम कर्म का उदय है वो स्थावर है. स्थावर जीवों के वो गमन की शक्ति नहीं है. और यहाँ पर जो वायु कायकों की विक्रिया करते हैं वैसे चलकर जाने की वो विक्रिया नहीं उनके शरीर ही इस टाइप के है तो उसकी विक्रिया होती है. अब यहाँ आगे देखते हम तो वैक्रिक समुद्घात में प्रवर्तने वाले जीव आगे की बात अब देख रहे हम. ये पहले के हो गए ना तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग देखा और उसी पैराग्राफ में बताते और मनुष्य लोक की अपेक्षा कितना होगा. फिर से विक्रिया करने वाले नहीं विक्रिया नहीं सॉरी विहार करने वाले
कृष्ण लेशा वाले कौन है, तो हम मुख्यतः तीर्यंचों की ले रहे हैं। कहाँ रहते हैं? तिर्यक लोक में रहते हैं। तो तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग कहाँ है? वो जो तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग है ने स्वयंभू रमण समुद्र वगैरह एरिया देखी, वो मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा कितनी गुना होगी? ये तो 45 लाख योजन है और वो कितना है? असंख्यात योजनों का है। यहाँ क्या लिखा? मनुष्य लोक उससे असंख्यात गुना क्षेत्र में रहते। ये ख्याल में आती है? ऐसी बात है मेरे ख्याल से। मनुष्य लोक कितना है? 45 लाख योजन वाला है। और बाहर का अकेले स्वयंभू रमण समुद्र देखो ना कितना है, करीबन 1/4 एक बाजू, 1/4 एक बाजू, 1/4 राजू वाला है। और वो पूरा ऐसा गोल, उसकी एरिया कितनी बड़ी होगी? तो कहेंगे असंख्यात गुना है। यहाँ तक ख्याल में आई बात? वो समुद्र में विहार कर रहे होंगे ना तिर्यंच, हाँ उसकी भी बात लेना। और वो स्वयंभू रमण द्वीप में भी विहार करने वाले जीव है वहाँ पर, उनकी भी बात लेना। आगे बढ़ते हैं, ये विहारवत की बात हो गई। अब वैकृत समुद्घात में प्रवर्तने वाले जीव, सामान्यादि चार लोक, ऊपर यानी सामान्य लोक, अधोलोक वगैरह सब, उनके असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि एट ए टाइम करने वाले वर्तमान में लेना है हमको। और मनुष्य लोक से असंख्यात गुणा क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि वैकृत समुद्घात वालों का क्षेत्र असंख्यात गुणा घनांगुल के वर्ग को, अभी वो छोड़ दो क्योंकि वो फिर वो घनांगुल क्या है उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। अब आगे हमने 10 स्थान देखे थे, याद है आपको? कौन कौन से है देख लो जरा बोर्ड पर। देखो हमने कृष्ण लेशा में स्वस्थान स्वस्थान लगाया, विहार व स्वस्थान लगाया जो तिर्यक लोक में होता है, वेदना समुद्घात वो पूरा लोक में देखा, कषाय समुद्घात भी पूरे लोक में देखा, वैकृत समुद्घात अभी हमने देखा था कि मनुष्य लोक के वो इतने क्षेत्र में रहते हैं, और मारणांतिक समुद्घात भी देख लिया। तेजस समुद्घात होगा कि नहीं होगा, कृष्ण लेशा वालों में तेजस समुद्घात होगा कि नहीं होगा, ये आपको अपने बुद्धि से, कॉमन सेंस से सोचना है। पीछे क्या कहते हैं? हाँ अशुभ तेजस होगा। हाँ आप क्या कहते हैं? मुनियों के ही होता है, और मुनियों के तो 3 शुभ लेशाएँ होती है, तो तेजस समुद्घात कृष्ण लेशा वालों को नहीं होगा, आहारक समुद्घात नहीं होगा, केवली समुद्घात सवाल ही नहीं है। उपपात तो हमने पहले बता दिया पूरे लोक में है, ख्याल में है ना बात? यही बात यहाँ कह रहे हैं। देखो नहीं है लेशा मुनियों को, वो नहीं है। देखो कृष्ण लेशा वालों के तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, केवली समुद्घात नहीं होता, बाकी का सबका कथन कर दिया। नील में भी ऐसा ही होगा और कपोत में भी ऐसा होगा, ये 3 समुद्घात तो उनके नहीं होंगे। यहाँ लिखा है देखो, जैसे कृष्ण लेशा का व्याख्यान किया वैसे ही नील लेशा कपोत लेशा का व्याख्यान जानना, विशेष इतना है जहाँ कृष्ण लेशा का नाम कहा वहाँ नील लेशा या कपोत लेशा का नाम लेना, क्योंकि वो करने वाले वही जीव है ना जो कृष्ण लेशा वाले थे, वही नील में आए हैं, वही कपोत में आए हैं, केवल उसमें रहने का काल ज़्यादा इसलिए उनकी संख्या ज़्यादा बताई थी उस अपेक्षा से। समझ में? ये 3 अशुभ लेशा। अब पीत लेशा पद्म लेशा की बात करेंगे। हाँ इसका ये प्रश्न इनका कि वेदना और कषाय समुद्घात में कितने दूरी तक वो फैर सकते हैं आत्म प्रदेश, तो 1 प्रदेश अधिक, 2 प्रदेश अधिक, 3 प्रदेश अधिक, अधिक से अधिक तिगुणा आड़ा, मूल शरीर से तिगुणा हो सकता है मैक्सिमम, और ऐसा इन्हें आगे पीछे भी तिगुणा, 3 × 3 इस तरह से 9, परंतु हाइट वाइज वो नहीं बढ़ते, ऐसे आड़े फैल सकते हैं आगे पीछे और साइड वाइज, यानी मूल जो एरिया है उससे 9 गुना हो सकती है। हाँ ऐसा, यानी 2 फुट है तो टोटल 6 फुट तक ऐसा फैल सकता है, और ऐसे जो मान लेते हैं 1 फुट भर है उसकी विड्थ है, वो उससे 3 गुना हो सकती है। जिसको कषाय होते हैं ऐसा नहीं, किसी को भी हो सकता है।
किसी को भी हो सकता है। हाँ, अब पीतलेशा का क्षेत्र, अभी तो हमने देखा ना पूरे लोक में है ना एक इंद्रिय के हो रहा है कि नहीं, वो किसके प्रति क्रोध करते हो गए? हमें तो बाहर में किसी के प्रति हमने कुछ गुस्सा किया, कुछ बोले तो इन्हें क्रोध किया ऐसा लगता है, तो वो बोलते नहीं है, हाँ न सुनते हैं, ना एक दूसरे को देखते हैं, तो कैसा गुस्सा करता होगी उनके भी है ना, अनंतानुबंधी अप्रत्यगान प्रत्यगान सभी क्रोध पर है, सभी मान सभी माया सभी लोभ है, उनके योग्य जितना होता होगा। तो ये तो चारित्र गुण का विभाव परिणाम उनके अपनी योग्यता से चलता रहता है। हम तो उसको बाह्य में क्या प्रकट होता है उसकी अपेक्षा से हम आप बात करते हैं। पीतलेशा की बात करेंगे, पीतलेशा में जीवों का प्रमाण हमने देखा था असंख्यात होता है, तो जितना पीतलेशा वाले जीवों का संख्या अधिकार में जो प्रमाण कहा उसको संख्यात का भाग देने पर वहाँ बहुभाग स्वस्थान स्वस्थान में जानना, यानी पीतलेशा वाले जितने क्षेत्र में रहते वो स्वस्थान वाले जीवों का प्रमाण होगा, और जो फिर वो बहुभाग बहुभाग हम ही उसकी बात छोड़ेंगे, फिर बहुभाग में विहारवत स्वस्थान जानना, यानी विहार करके जाने वाले पीतलेशा वाले में विहार करने वाले जीव कौन से है मुख्य? देव, देव भवनत्रिका और सौधर्म ईशान, वे ही पीतलेशा वाले हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? छः राजू ऊपर से लेकर दो राजू मध्यलोक से नीचे तक, यानी पूरी 8 राजू एरिया वो कवर कर सकते हैं पीतलेशा वाले। वर्तमान में असंख्यात ही जीव कर सकते हैं एट ए टाइम, इसलिए उसका ही संख्यात बहुभाग लिया, वो बिहारवत में लेना। एक वर्तमान का क्षेत्र चल रहा है एट ए टाइम, वर्तमान में कितने देव विहार करके जाएंगे एक से दूसरी जगह, उसको विहारवत स्वस्थान ले लिया। अभी उसमें भी एक जीव की इतनी अवगाहना है तो इतने जीव विहार करेंगे तो उनका क्षेत्र कितना हो जाएगा, इस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी वो कैसा निकालना ये पूरा 607 पेज पर लिखा है, उसको हम छोड़ देते हैं। देखो अभी उसका नीचे का पैराग्राफ, वेदना समुद्घात में वा कषाय समुद्घात में, वा का अर्थ होता है और, वेदना और कषाय समुद्घात में आत्म प्रदेश मूल शरीर से बाहर निकसे, यानी अगर निकले तो एक प्रदेश को रोके या दो प्रदेश मात्र क्षेत्र को रोके, यानी कितने बाहर निकलते हैं, ये जरूरी नहीं कि हर एक के तिगुना हो जाए, एक प्रदेश यानी नहीं के बराबर है ना, तो हो सकता है उसका एक प्रदेश कहीं से आत्म प्रदेश मूल शरीर से बाहर निकले हैं, ऐसे एक एक प्रदेश बढ़ते हुए, यानी अलग अलग जीवों में अलग अलग बातें होगी। यदि उत्कृष्ट क्षेत्र रोके तो चौड़ाई में मूल शरीर से 3 गुना क्षेत्र रोकता है, परंतु ऊंचाई मूल शरीर प्रमाण ही रहती है, हमने बोला था ना ऊंचाई वाइज उसकी हाइट वाइज उसके नहीं फैलते प्रदेश, सो इसका घनरूप क्षेत्रफल करने पर मूल शरीर के क्षेत्रफल से 9 गुना हुआ, 3 × 3 यानी ऐसा 3 गुना ऐसा 3 गुना, यानी पूरी जो चौड़ाई ऐसे लेंगे तो टोटल क्षेत्रफल से 9 गुना होगा। इस प्रकार जघन्य एक प्रदेश और मूल उत्कृष्ट मूल शरीर से 9 गुना क्षेत्र हुआ, और इसको अगर हम एवरेज निकालेंगे तो क्या एक प्रदेश और इतना 9 गुना, यानी 4.5 गुना तो हो जाएगा ना एवरेज, नहीं समझे? एवरेज दोनों का 9 गुना हुआ और यहाँ एक प्रदेश ज़्यादा, दोनों का एवरेज 4.5 गुना, 9 का आधा, 2 को मिलाओ उसका आधा करो। लोक के अंत में रहते होंगे वो लोग वेदना करते ही नहीं होंगे, फिर वेदना करेंगे तो लोक के बाहर नहीं जाएंगे, इधर आएंगे क्योंकि ये पीछे साइड और मतलब दोनों बाजू बढ़ा, दोनों बाजू नहीं इधर इधर बढ़ेंगे उनके देवों में वेदना समुद्घात नहीं होता, क्यों नहीं होता? उनकी वेदना नहीं होती होगी क्यों नहीं होगी? पीतलेशा वालों में तो उतना ही लेना, और उसको भी कितना लिया, जो मूल थे वो स्वस्थान वाले थे, फिर जो थे उसका संख्यात बहुभाग तो हमने विहारवत में लिया, अब उसका संख्यात बहुभाग वेदना में लिया।
फिर उसमें कषाय में लेना, ये सब में होते हैं। क्या उनके असत का उदय नहीं होता है क्या? आगे देखते हैं। हमने तो मान रखा है वहाँ तो सुख ही सुख है। देखो, पुनश्च विहार करने वाले देवों के मूल शरीर से बाह्य आत्मा के प्रदेश फैलने पर, अभी वो कितना होता है वही बात है, वो विहार व्रत का कैसा निकालना है उसकी बात बता रहे हैं। यानी वो संख्यात घनांगुल वगैरह कैसे है, अपनी इच्छा के अनुसार वो जैसे ऐरावत हाथी लिया, बड़े घोड़े हुए, कुछ हुए, उसका रूप धारण करते हैं, उसकी अपेक्षा उनके एरिया कैसे निकालने, ये बात है। अभी हम उसको गौण करके आगे बढ़ेंगे। वो बात नहीं रही, विहार करके जो नरक जाते हैं, उसको गौण कर दिया क्योंकि शायद वो संख्या कम है। नहीं, ऐसा नहीं, उनको भी लिया। कैलकुलेशन जिस तरह से किया लगता है, कैलकुलेशन तो उनके एक शरीर की अवगाहना ली है और नंबर ऑफ जीव। राजू इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि एट ए टाइम करने वाले जीव असंख्यात है। जब हम स्पर्शन देखेंगे तो वो आठ राजू की बात करेंगे, यहाँ अभी नहीं लेंगे। समझ में आती है ना बात? क्योंकि वो पूरे राजू भाई या राजू पूरे एरिया एट ए टाइम एट किसी एट इन्हें गिवन पॉइंट नहीं कवर होगी। वर्तमान में कभी भी वो कवर नहीं होगी, वो हम अतीत काल की अपेक्षा देखेंगे तो किसी न किसी आशकाक्षरिणी से किसी न किसी जीव ने विहार किया था देवों ने कभी, तो उसका पूरी आठ राजू एरिया लेंगे। वो स्पर्शन में लेते, क्षेत्र में नहीं लेते। क्षेत्र में एट ए टाइम कितने जीव विहार कर रहे हैं उनकी एरिया यानी उनकी जो साइज शरीर की मल्टीप्लाई बाय जीवों की संख्या, इतना ही उसमें लेते हैं, वो उसमें लेते हैं। अभी आगे ये विक्रेक समुद्घात के बाद मारणांतिक की बात करेंगे। ये पेज नंबर 608, नीचे का पैराग्राफ। पीत लेशा वालों में दिव्यंतर देव बहुत मरते हैं, ऐसा क्यों? व्यंतरों को ही बहुत बार क्यों मार रहे हैं? बहुत अच्छा, आयु कम है और ज्योतिषकों की तो आयु तो पल्लों में है, मिनिमम ही उसके पल्ले के आठवें भाग प्रमाण है, तो वहाँ जीव बहुत काल के बाद मरेंगे। और व्यंतर छोटी आयु से लेकर चालू होते हैं तो उनमें मरने वालों का प्रमाण अधिक होगा, कोई 10,000 वर्ष, कोई 10,000 वर्ष और एक समय आदि आदि, उनके जो विकल्प है अलग अलग, तो उनकी संख्या ज़्यादा होगी। देखो यहाँ लिखा है व्यंतर देवों का जो प्रमाण है उसको व्यंतरों की मुख्य पने 10,000 वर्ष आदि संख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति के जितने समय है उसका भाग देने पर, यानी वहाँ की स्थिति डिवाइडेड बाय व्यंतरों की संख्या, ये कहना है, जो प्रमाण आता है उतने जीव एक समय में मरण को प्राप्त होते हैं। इन्हें एवरेज निकाला, प्रति समय मरने वालों की संख्या निकाली। हर समय कोई मरना ही चाहिए ऐसी बात नहीं, वहाँ जन्मने वालों में जैसे इतने नाना जीवों की अपेक्षा अंतर पड़ता है वैसे मरने वालों में भी होगा, वो बात नहीं, यहाँ एवरेज निकाल रहे हैं। इन मरने वाले जीवों को पल्ले के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर एक भाग प्रमाण जीवों के रुजु गति यानी बिना मोड़ वाली गति से और बहुभाग प्रमाण जीवों के विग्रह गति यानी वक्रता सहित परलोक को गति होती है यानी गमन होता है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, बहुत सारे जीव तो मोड़ वाली गति से जाएंगे एक बात, और जो मरकर जाने वालों में भी बहुभाग जीवों के मारणांतिक समुद्घात होता है। नीचे से दूसरे लाइन में लिखा है जितने मरते हैं उसमें तो मेजॉरिटी ने बहुभाग प्रमाण तो मारणांतिक करेंगे, ये कहना चाहते हैं। तो मारणांतिक करेंगे ने अंतर्मूर्त तक उनके प्रदेश फैले रहेंगे, तो ये मारणांतिक समुद्घात वाले जीवों के प्रमाण को 609 पर आए पल्ले के असंख्यातवें भाग का भाग दीजिए, वहाँ बहुभाग प्रमाण समीप थोड़े से क्षेत्रवर्ती मारणांतिक समुद्घात वाले जीव है और एक भाग प्रमाण दूर बहुत क्षेत्रवर्ती मारणांतिक समुद्घात वाले जीव है। तो दूर कहाँ तक व्यंतर उत्पन्न हो गए और नज़दीक कहाँ कहाँ उत्पन्न हो गए? व्यंतर मरकर तो व्यंतर नहीं हो गए, मनुष्य तिर्यंच हो गए। हाँ,
मनुष्य तिरियंच होंगे, कौन से पंच इंद्रिय होंगे कि द्विंद्रिय के तीन इंद्रिय, एक इंद्रिय और पंच इंद्रिय हो सकते हैं। तो एक इंद्रिय में अधिक से अधिक दूर कहाँ तक जा सकते हैं? नीचे कहीं नहीं जाते हैं, आठवीं पृथ्वी में ऊपर ऊपर पृथ्वी कायिक होते हैं, वो पृथ्वी कायिक जल कायिक या वनस्पति कायिक, प्रत्येक बादर में ही जन्म लेंगे। हाँ, तो दूर वाले उसमें ले लेना। अब ये सब उनका हिसाब हम छोड़ देते हैं। अकेले सिद्धशिला नहीं, पूरी ईषद प्रागवार। हाँ, सिद्धशिला भी लेना, सिद्धशिला का भी जीव होकर पृथ्वी कायिक होकर वहाँ जन्म लेगा तो अधिक सुखी होता होगा क्योंकि सारे सिद्ध उसमें से पार होते हैं। सभी जीव कहाँ करते, उसमें से हमने बहुभाग प्रमाण लिए। हाँ, अभी तो क्या पढ़ा हमने, अभी कृष्णादि तीन अशुभ में तो हमने तेजस आहारक को छोड़ दिया था, अब यहाँ उसको भी लेंगे। वही बात यहाँ 609 पेज है। तेजस सम बाय नियम नहीं होता, बहुतांशी जीव करते हैं, अनेक जीव करते हैं, बहुभाग प्रमाण करते हैं। कोई नहीं भी करे, करे या नहीं करे उसमें कोई बात नहीं है, एक इंद्रिय भी करते हैं, देव मनुष्य भी करते हैं, ये किया तो कुछ विशेष, किया नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ऐसा भी कुछ नहीं है उसमें, ये सहज प्रक्रिया है। अभी तेजस की बात है, पेज नंबर 609 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। तेजस मूल शरीर नहीं है, किसके समुद्र का जप करता है। हाँ, तब आत्मा के प्रदेश से बाप से बाहर निकलेंगे तो फिर उसका कोई किस प्रकार से ज्ञान का विषय बनेगा, क्योंकि जैसे कि इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति है तो मूल शरीर में तो ये चक्षु वगैरह वहाँ तो चल ही रही है। हाँ, तो वहाँ उसका ज्ञान का इस प्रकार से कोई विषय नहीं, वहाँ तो कोई इंद्रिया तो है ही नहीं है, बस वहाँ तक प्रदेश फैले रहते हैं क्योंकि उस कर्म की सत्ता है, आयु कर्म का बंध किया हुआ है, कहाँ जन्मना है वो सब कुछ निश्चित है, तो सहज रूप से प्रदेश पहले से ही फैले रहते हैं, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। हाँ, देखो यहाँ पर तेजस समुद्घात, तेजस समुद्घात में कल्पना ऐसी आती है बहुत कि वहाँ जाकर देखता है तो देखेगा कैसा, आप इधर है तो वहाँ कैसे देखेगा तो ये तो बात ऐसे ही जैसे जिसको कहेंगे ना, बहुत स्थूल कथन है। ये नहीं, वहाँ जाके आने में उसके कुछ फायदा ही नहीं है, बस सहज रूप से ये प्रदेश फैलते हैं, वैसे कर्मों की स्थिति है, वैसे कर्मों का बंध है, तो ये सहज रूप से अवस्था हो जाती है। तेजस समुद्घात में शरीर से बाहर प्रदेश निकसते हैं, वो कहाँ तक फैल सकते हैं, तो कहते 12 योजन लंबे, 9 योजन चौड़े और सुचंगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण ऊंचे क्षेत्र को रोकते हैं। सो इनका घन रूप क्षेत्र पर अब वो संख्यात घनांगुल हो गया, और एट ए टाइम तेजस समुद्घात करने वाले कौन हो गए, मुनिराज ही संख्यात होते हैं, और तेजस समुद्घात थोड़े ही सब कुछ करेंगे, कभी कोई कितने करेंगे, तो इसलिए वो तो संख्यात ही हो गए। इसलिए तेजस समुद्घात के एरिया निकालना है क्षेत्र, तो उसको संख्यात से गुणा करेंगे। इतनी बड़ी कहाँ थी, 9x12 योजन है। आहारक समुद्घात में एक जीव के शरीर से बाहर निकले हुए प्रदेश संख्यात योजन प्रमाण लंबे, लाख योजन भी चले जाएगी तो भी वो संख्यात योजन होगा ना, क्यों? हाँ, और सुचंगुल के संख्यात वे भाग प्रमाण चौड़े ऊंचे क्षेत्र को रोकते हैं, यानी मुनिराज की शरीर की अवगाहना मल्टीप्लाइड बाय कितने दूर गए उसके, वो तो उसको काउंट करेंगे हम, तो उसको गुणा करने पर समुद्घात में एक जीव का क्षेत्र होगा, और ऐसे एट ए टाइम कितने जीव समुद्घात कर सकते हैं, संख्यात, तो उसका संख्या यहाँ लेना। तो ये सब समुद्घात की अपेक्षा हमने देखा। तो
तो मेरा प्रश्न है पीत लेशा वाले में केवली समुद्घात के एरिया क्या होगी? हाँ, ये तो केवली समुद्घात को केवली को होता है, वहाँ तो शुक्ल लेशा है, इसलिए पीत और पद्म में केवली समुद्घात को छोड़कर बाकी सभी लिए हमने, 10 स्थान में से बाकी सबको लिया। ख्याल में आई बात ये कि नहीं आई? पीत लेशा में केवली समुद्घात होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, वही मैं कह रही हूँ। अब जो पीत लेशा के साथ जो जन्म लेते हैं उपपाद, तो पीत लेशा में तीर्यंच मरकर कहाँ ऊपर चले जाएंगे? पीत लेशा वाले देवों में, भवनत्रिक में जाएंगे तो लोग के वो तो मध्य लोक से नज़दीक है, और सौधर्म ईशान में जाएंगे तो एक डेढ़ राज्य ऊपर तक चले जाएंगे, उस हिसाब से उनकी एरिया हम निकाल सकते हैं। या देव भी मरकर पीत लेशा के साथ आने वाले कौन है? सम्यक दृष्टि होगी, सम्यक दृष्टि होगी तो मनुष्य में आएंगे, तो मनुष्य में आने की एरिया बहुत छोटी है, तो उसको वह भी लोक का असंख्यात भाग हो जाएगा। अब पद्मलेशा का क्षेत्र नीचे 610 पेज पर, दोनों भी होगा, जो उसका अर्थ बताती हूँ फिर। वो ऊपर उनकी संख्या बताई, उसको छोड़ दो। देखो थर्ड पैराग्राफ टीका का, ऊपर जो संख्या कुछ बताई थी उसको पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर एक भाग प्रमाण दूर मारणांतिक समुद्घात वाले जीवों का प्रमाण, यानी जो दूर तक मारणांतिक किया। क्यों लिया दूर मारणांतिक? क्योंकि मारणांतिक के बाद जो उपपाद में है उनकी संख्या निकालनी थी। इस प्रमाण को द्वितीय दीर्घ दंड में स्थित मारणांतिक समुद्घात जिसका पहले हुआ है ऐसी उपपादता से युक्त जीवों का प्रमाण लाने के लिए। द्वितीय दंड का अर्थ क्या है? पहले मोड़ तक जो है, पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक कहो, या पहले मोड़ से जहाँ जन्म लेना है वहाँ तक कहो, उसको दूसरा दंड कहेंगे। मारणांतिक में उसने मान लेते एक मोड़ तक और दूसरे मोड़ तक, ऐसे प्रदेश फैले है। मरण होने के बाद क्या होगा? उसके प्रदेश मूल शरीर से निकल कर पहले मोड़ तक आ जाएंगे, और उस समय वो फैसे रहे उस जो जिसको द्वितीय दंड कहने में आएगा। तो तीर्यंच ने पहले मध्यलोक में आड़ा किया और फिर ऊपर गया, तो द्वितीय दंड उसका दीर्घ लेना है। वो डेढ़ राज्यों तक ले सकते हम, क्योंकि पीत लेशा के साथ सौधर्म ईशान में जन्म लेता है, उसको लेना है। आप कहेंगे स्वर्ग से लाओ ना नीचे, तो स्वर्ग से पीत लेशा में आने वाले, नीचे मनुष्य में आने वाले समय दृष्टि होने चाहिए, वो कम हो गए, और वो तीर्यंचों की एरिया पूरे राजू तक कहीं से भी वो पीतलेशा वाले ऊपर जाएंगे। सारे ही द्वीप समुद्रों में से वो समुद्र ने बीच गए, समुद्र छोड़ दो, परंतु द्वीपों में तो है ही है, और समुद्र में भी सारे है, स्वयंभू रमण समुद्र में, वहाँ से अपनी अपनी एरिया से ऊपर जा सकते हैं, इसलिए वहाँ की एरिया तो हम काउंट कर सकते हैं। पर पीतलेशा के साथ देव में से मनुष्य में आने वाले समय दृष्टि होने चाहिए, तो ये मनुष्य लोग 45 लाख योजन छोड़कर उसके जो दंड हो गए वो बाहर नहीं रहेंगे, इसलिए उतनी एरिया में से वो नीचे आएंगे, इसलिए उनके एरिया भी कम हो जाएगी, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ देखो द्वितीय दीर्घ दंड में स्थित मारणातिक समुद्घात जिसका पहले हुआ हो ऐसी उपपादता से युक्त जीवों का प्रमाण, यानी जिन्होंने मारणांतिक करके बाद में उपपाद को हम गिन रहे ऐसा जीव लेना है लाने के लिए। अभी वो क्या करना, किससे भाग देना वो बताए, उसके आगे की लाइन, वहाँ तीर्यंच उपजने की मुख्यता से एक जीव संबंधी प्रदेश फैलने की अपेक्षा डेढ़ राजू लंबा, क्योंकि सौधर्मा और ईशान डेढ़ राजू तक है विमान, वहाँ तक ये जीव उत्पन्न हो सकता है पीतलेशा के साथ। अभी उसकी अपनी जो साइज है सच्चा संख्या सूचंगुल प्रमाण चौड़ा और ऊंचा क्षेत्र होता है। अब और एट ए टाइम वहाँ जन्मने वाले जीवों की संख्या से उसको गुणा करेंगे तो हमें वर्तमान का क्षेत्र आ जाएगा। एट ए टाइम तीर्यंच मरकर देव में कितने हो सकते हैं? अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण एक समय में उत्पन्न हो सकते हैं,
उससे उसको गुणा करेंगे, उनका क्षेत्र आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पद्मलेशा में ऐसा ही होगा, उनकी संख्या थोड़ी कम होगी पीतलेशा वालों से, उसमें भी वो विहार करके चले जाएंगे, क्योंकि सहस्रार तक के वो भी नीचे नरक तक चल जाए, परंतु वो मारणांतिक करके एकेंद्रीय में नहीं जाएंगे, मारणांतिक करके तो मनुष्य में ही आएंगे, वो बात वहाँ ले लेनी। और उनके में भी विक्रिया करने वाले हो गए, उनमें भी आहारक समुद्घात होगा, तेजस समुद्घात होता, सब उसमें भी ले लेना है, केवल ही समुद्घात उनके नहीं होगा, इसलिए उसको छोड़ देना है। अब उनमें सनत कुमारों की संख्या ज़्यादा है, नहीं ऐसी कोई नहीं है, हाँ ऐसा कोई जरूर नहीं, कषाय के काल में उनके समुद्घात होते हैं, भले वो तीव्र भी हम कहेंगे तो कोई बात नहीं उसके अंदर, तो तिगुणा यानी एक प्रदेश से लेकर तिगुणा तक वो प्रदेश फैल सकते हैं, बस इतनी बात है। तो उनके जो सनत कुमार देव की संख्या जाते हैं उनकी अपेक्षा से यहाँ क्यों करते का सवाल नहीं, वो अपने आप होते हैं, सोच समझ कर समुद्घात करना ऐसी कोई बात ही नहीं है। मारणांतिक एक बार करेगा एट ए टाइम, एक भाव में अनेक बार हो सकते हैं, हाँ हो सकता है। एक साथ कैसे ज़्यादा होगे समुद्घात, ये हो सकता है कि विहार करते करते उसको वेदना हो जाए कि कषाय हो जाए, ये संभव है, विहार करते करते वहीं से मारणांतिक किया ये भी हो सकता है। ख्याल में ही ना बात था क्या, वेदना और मारणांतिक एक साथ में हो सकती है, वेदना कर रहा था और उसे तड़प रहा था, उसे मारणांतिक हो गई उसमें, ये ही हो सकता है, साथ में नहीं। मारणांतिक तो पूर्व भाव की है, मरने के बाद उपपाद होता है, वो दूसरे भाव में गिना जाएगा। हाँ पूछ, उसके तो पूछ गिर गए, यानी उसके तो प्रदेश यानी शरीर कट गया, बीच में अभी आत्म प्रदेश वहाँ तक फैले हुए हैं, तो इसलिए वो पूछ भी तड़पती हुई होती है, इसलिए है। ऐसा भी होता है मनुष्य में भी, जैसे एम्पिटेशन होते जो डॉक्टर वगैरह उनको समझ में आ जाएगी कि पैर काट देते, कोई बीमारी हुई, गैंग्रीन हुआ, कुछ हुआ, पैर काट दिया, फिर भी उस जीव को ऐसा फील हो रही है वहाँ तो पैर है और उसमें वेदना हो रही है, ऐसा भी है ना, जो अभी वेदना समुदाय वगैरह में समझ सकते हैं उसको भी, वो बात अलग। हाँ हाँ यानी वहाँ तो जीव के प्रदेश है अभी, ये बात उसमें ये नहीं, अभी वो तो वेदना समुद्घात नहीं किया है, अभी अभी उसके शरीर के अंग टूटकर दूर चला गया है, थोड़े दूर पर है अभी वो, तो आत्म प्रदेश मूल जो बड़े पाठ में है वहाँ तक आत्म प्रदेश खींचे चले आई है, तो यह तो यानी वो तो आत्म प्रदेश तो कटते नहीं है, वो तो मूल पर शरीर में आ जाएंगे और वो उसमें से आत्म प्रदेश निकल जाएंगे, उसको समुद्घात नहीं कहेंगे। हाँ चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अब ये शुक्ल लेशा में उन्होंने बताई बात, शुक्ल लेशा में भी स्वस्थान बताएंगे, विहार व स्वस्थान, कषाय वेदना, कषाय मारणांतिक सभी कुछ बताएंगे। अब वहाँ शुक्ल लेशा वालों की संख्या लेनी है, उनकी साइज लेनी है और वैसा ही सारा कैलकुलेशन करना है, इसलिए हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अब केवली समुद्घात की बात देखते थोड़ी, क्योंकि केवली समुद्घात में बहुत कुछ चीज़ें होती है जो जानने लायक है। पेज नंबर 614 अब केवली समुद्घात में क्षेत्र कहते हैं, यानी यहाँ हमको क्षेत्र कितना व्याप्ता है एक जीव उसकी बात है, यानी केवली भगवान यानी मुनिराज का शरीर तो ये मनुष्य है, तो उनकी अवगाहना वाला तो मनुष्य है, और जब समुद्घात करते हैं तो कितनी एरिया कवर करते हैं उसकी बात यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर
केवली समुदायात्मक क्षेत्र कहते हैं 614 पर, ये दूसरा पैराग्राफ जो है। केवल समुद्घात यानी केवली समुद्घात चार प्रकार का है, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। वहाँ दंड दो प्रकार का है, एक स्थिति दंड, एक उपविष्ट दंड। ये क्या है देखेंगे अभी। कपाट चार प्रकार का है, पूर्वाभिमुख स्थित कपाट, उत्तराभिमुख स्थित कपाट, यहाँ स्थिति और स्थित दोनों ही नाम आते हैं, पूर्वाभिमुख उपविष्ट कपाट और उत्तराभिमुख उपविष्ट कपाट, प्रतर और लोकपूरण एक ही प्रकार का है। अब ये स्थित क्या है और उपविष्ट क्या है, हाँ? हाँ बोलो। पद्मासन या खड़गासन, उनकी एरिया कम। देखो पद्मासन में इन्हें बैठे हुए है, वो कितनी एरिया कवर होगी, जो ऐसे आत्मप्रदेश है बैठे हुए तो जैसे पलाठे ऐसे डाल के बैठे तो इतनी सब एरिया कवर होगी ना ऊपर से नीचे तक, 14 राजू वाली। और जो खड़े हैं उनकी जो ऐसी शरीर की जो विर्थ है उतनी एरिया कवर होगी, उसको कहते हैं स्थित और उपविष्ट। देखो यहाँ हम जो हिसाब देखेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। वहाँ स्थिति दंड समुद्घात में एक जीव के प्रदेश वात वलय बिना, यानी वो नीचे और ऊपर के वात वलय को छोड़ना। नीचे हमने देखा पूरे लोकाकाश के तल में कितना वात वलय है, 20,000, 20,000 और 20,000, 60,000 योजन तो नीचे है, और ऊपर यानी आठवीं पृथ्वी के ऊपर कितना है, एक योजन में 425 धनुष कम, दो कोस, एक कोस और 1575, ये इतना हमने देखा था। तो वात वाले बिना लोक की ऊंचाई कुछ कम 14 राजू प्रमाण है, उस प्रमाण तो लंबे यानी हाइट वाइज कितनी हुई, ये 14 राजू में कुछ कम, तथा 12 अंगुल प्रमाण चौड़े, यानी स्थिति दंड में वो क्या लिया, खड़गासन वाले लिया 12 अंगुल वाले, और उपविष्ट में क्या लेंगे, तिगुना 36 अंगुल ले लेंगे। तो 12 अंगुल प्रमाण चौड़े गोल आकार होते, चौड़ाई ने उसका डायमीटर 12 अंगुल का लिया यहाँ पर। सो वासोत्ति गुणों पर, यह भी उसका कैसा क्षेत्रफल निकालना कि डायमीटर बताया है, तो डायमीटर बताया तो तिगुणा करके उसका परिधि यानी सरकमफरेंस निकलेगा। हाँ, इस सूत्र द्वारा इसका क्षेत्रफल 216 प्रतरांगुल से जगत श्रेणी को गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना है। अभी इसको समझाते हैं कैसे निकाला, क्योंकि 12 अंगुल गोल क्षेत्र का क्षेत्रफल 108 प्रतरांगुल होता है, अंगुल गुणा अंगुल प्रतरांगुल होता है, तो ये 12 अंगुल को तिगुना किया तो 36 हुए, यानी डायमीटर को तिगुना किया, और 36 को एक गोल का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके चौथे भाग से गुणा किया। समझ में आती है बात। हम गोल, कोई गोल एरिया है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखो पहले भी पहले क्या करता है, व्यास, व्यास से तिगुणा साधारण, ये तो बिल्कुल वो पाए वाला तो बाद में, वो तो सूक्ष्म एरिया है, उससे भी सूक्ष्म हमारे पास फॉर्मूले है, पाए के बदले हमने 10 से गुणा करके पूरे का स्क्वायर रूट निकालेंगे। हाँ, तो उसकी अभी हमने, हम बिल्कुल स्थूल तिगुणा कर देंगे, ये पाए से नहीं गुणा करेंगे, 22 सप्तमों से नहीं, हम 3 गुणा करेंगे आसानी के लिए। तो 12 है तो तिगुणा हुआ तो 36 हुआ, तो तिगुणा करें नहीं, सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, डायमीटर का चौथा भाग, तो 12 को चौथे भाग से भाग दिया तो 36 को तिगुणा करना, यानी कितने हुए, 108, यानी वो गोल क्षेत्र का यानी क्षेत्रफल निकाला। अभी उसको क्या करेंगे, हाइट से गुणा करेंगे। हाँ, इसको ऊंचाई दो जगत श्रेणी, दो जगत श्रेणी क्यों, 14 राजू का अर्थ क्या है, 7 राजू और 7 राजू, इसको दो जगत श्रेणी कहा, यानी 7 राजू इक्वल टू 1 जगत श्रेणी, 14 राजू इज इक्वल टू 2 जगत श्रेणी,
उससे गुणा करने पर इतना होता है। 108 तो प्रतरांगुल हुए और मल्टीप्लाइड बाय दो जगत श्रेणी, तो वो क्या होगा, 216 प्रतरांगुल गुणा जगत श्रेणी। समझ में आई बात? नहीं आए तो छोड़ दो। हाँ देखो, सब लोग नहीं समझेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक समय में इस समुद्घात वाले जीव 40 होते हैं। मैक्सिमम एट ए टाइम समुद्घात करने वाले केवली भगवान कितने हैं, तो कहते हैं 40 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो 20 तो पहलवान ने इन्हें जो दंड का पहला समय में किया, या कोई लोक प्रतरकरण वापस दंड में आए हैं, 20 और 20 मिलकर 40 को लिया है यहाँ पर। यानी कभी एट किसी पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि एट ए टाइम 40 केवली भगवान वो दंड वाली अवस्था में विद्यमान है, इसलिए उसको 40 हमको मैक्सिमम निकालनी है, एरिया निकालनी है उनकी, तो इसलिए यहाँ कहते हैं वो जीव 40 होते हैं। इसलिए इसको 40 से गुणा करने पर फिर वो इतना, वो सारे उन्होंने हिसाब लगाया, जो संख्या निकाली थी उसको 40 से गुणा कर दो। अब डायरेक्ट अभी इस, अभी हमने जो एरिया निकाली थी वो 12 अंगुल से निकाली थी, और वो किसके लिए हमने, स्थिति दंड की। और उपविष्ट वाले जो है पद्मासन में बैठे हैं उनका 36 अंगुल के हिसाब से उसका निकालना है, तो 36 यानी 3 गुना लिया ना हमने, तो स्थिति दंड के क्षेत्र को 9 गुना करना। 9 क्यों, 3 गुना और 3 गुना इस तरह से दोनों ओर लेना, तो 9 गुना हो जाएगा। उपविष्ट दंड में क्षेत्र होता है क्योंकि स्थिति दंड में 12 अंगुल प्रमाण चौड़ाई कही और उससे 3 गुनी 36 अंगुल चौड़ाई है, सो क्षेत्रफल में 9 गुना क्षेत्रफल हुआ। हमने देखा ना उसमें अंगुल गुना अंगुल प्रतरांगुल हुआ था, इसलिए 3 गुना गुना 3 गुना 9 गुना हो गया। कहाँ जा सकते हैं मोक्ष, तो एक समय में 108 जा सकते हैं। 6 महीने में कोई मोक्ष नहीं गया तो 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो उसमें एक समय में कितने कितने जाते हैं उसकी सारी बातें शास्त्र में लिखी हुई है। 608 एक समय में नहीं जाएंगे। हाँ सही, सभी केवली नहीं करते, एट ए टाइम करने वाले कितने हो सकते हैं, तो करने वाले 20 और यानी फैलने वाले 20 और समेटने वाले 20, दोनों मिलकर दंड में हमने 40 पकड़े हैं। ये हो गया उसका। अभी देखिए ये दंड के बाद कपाट, तो जो पूर्व की ओर मुख किए हुए वो दक्षिणोत्तर प्रदेश फैलेंगे, तो अभी दंड की जो एरिया है उस दंड की ओर एरिया को हम ऐसा फैलाएंगे, पूर्व की ओर मुख हुआ तो दक्षिणोत्तर लोकाकाश का ऐसा एरिया कितना है, सर्वत्र 7 राज्यों, तो जो पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं उनके ऐसे 7 राज्यों तक उसको गुणा करना है, और जो उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं उनका हीनाधिक है, 7 राज्य नहीं ले सकते, तो ऊपर 1 बीच में 5 फिर 1 फिर 7, तो 7 और 1 8 और 5 13 और 1 14 मल्टी डिवाइडेड बाई 4 एवरेज उसका 3.5 होगा। पूर्व की मुख और मुख के वाले उनकी जो ऐसी कितनी होगी, 7 राज्यों, और उत्तर की ओर मुख किए हुए उनके पूर्व पश्चिम फैलेंगे, जो हम लोकाकाश का आकार ऐसा ऐसा देखते हैं उसके एवरेज निकालेंगे तो 3.5 होता है। यानी कपाट अवस्था में पूर्व की ओर मुख किए हुए का एरिया ज़्यादा होगा, 2 गुना होगा फैला, 2 गुना होगा, और जो उत्तर की तरफ मुँह किए हुए उनका उससे आधा होगा, क्योंकि एरिया ऐसे ऐसे है ना वो, हाँ तो उसके एरिया को काउंट करो, हम उसका हिसाब नहीं बता रहे, अभी रात का समय है ना, हाँ उसका कैलकुलेशन नहीं बनाएंगे आपको, वो सारा कैलकुलेशन यहाँ लिखा है उसके अपनी भाषा में, वो ब्रैकेट में भी उसको समझाया है, इतना ही देना है, वो 2 गुना होता है। तीसरे प्रतर के समय जो ऐसा फैला हुआ ऐसा भी फैलता है तो समान हो जाते हैं, ख्याल में न, कपाट के समय में ही वो पूर्व की मुख और मुख है क्या, उत्तर की तरफ है, उसके अनुसार उसमें एरिया वाइज डिफरेंस है, जो प्रतर तक पहुँचते वात वेलय बिना
तो वहाँ दोनों की एरिया समान हो जाती है, और जब लोक पूर्ण होता है तो वात वलय सहित सर्वत्र फैल जाते हैं। यही बात बता रहे यहाँ पर, यानी लोक पूर्ण में पूरे लोक में वो व्याप्त हो जाते हैं। अब यहाँ हम आते हैं, क्षेत्राधिकार इस तरह से हो जाता है 617 पेज पर। अब यहाँ हमको स्पर्शन समझना है थोड़ा। क्षेत्र तो समझ में आया ना, किस तरह से कैलकुलेट किया, कितने जीव करते हैं, उनकी एक की अवगाहना कितनी है और कितना क्षेत्र रोकते हैं, उसकी अपेक्षा वर्तमान में एक समय में, किसी एक समय में उनका हम क्षेत्र निकालते हैं। स्पर्शन में कुछ विशेष बातें हैं। देखो यहाँ हम देखते हैं 545 वाली, यहाँ तो एक ही लाइन लिखी है। तो टीका, क्षेत्र में तो वर्तमान काल में जितना क्षेत्र रोकता है उसी का ग्रहण किया है। क्षेत्र और स्पर्शन में क्या अंतर है वो बता रहे हैं, परंतु यहाँ इन्हें स्पर्शन में वर्तमान काल में जितना क्षेत्र रोकता है उस सहित, यानी क्षेत्र जब स्पर्शन जब बताया जाता है तो उसमें दो बातें बताते, वर्तमान का भी बताते हैं और पूर्व का भी बताते। तो अतीत काल में, अतीत कितना काल गया है, अनंत अनंत काल गया है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने मारणांतिक किया हुआ, कहीं ना कहीं किसी ने विहार किया होगा, तो वो पूरी एरिया कवर हो जाती है। ये स्पर्शन और क्षेत्र में अंतर है। तो स्वस्थानादि विशेषण के धारक जीव जितना क्षेत्र रोक कर आए हो उस क्षेत्र ही का नाम स्पर्शन जानना। स्वस्थान में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अतीत हो या अभी का हो, जितने क्षेत्र में पूर्व में रहते थे उतने ही क्षेत्र में अभी भी रहेंगे, परंतु उनका विहार की अपेक्षा, मारणांतिक की अपेक्षा अधिक क्षेत्र उनका कवर हो जाएगा, क्योंकि वो एक समय में वर्तमान में केवल असंख्याती जीव लिए थे हमने जो विहार करने वाले देव है, परंतु अतीत में कभी ना कभी किसी ना, वो तो अनंत हो जाते हैं। तो कृष्णादि तीन अशुभ लेशा का स्पर्श, देखो वो वर्तमान में ही पूरा लोक है, तो कृष्णादि लेशाओं का अतीत काल भी पूरा लोक है, लोक के बाहर तो जाने वाले नहीं, इसलिए वो आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ये बात है कि, और कृष्ण लेशा वाले गमन क्रिया युक्त तत्र से जो तिर्यक लोक में ही पाए जाते हैं, इसलिए वो बात बताई। देखो 618 पर आते हैं अभी। अभी ये वायु कायकों की अपेक्षा कुछ विशेष बातें कर रहे हैं, एक दो मिनट में देखते हैं। वैकिरिक समुद्घात में मेरुगिरी के मूल से लेकर, मेरुगिरी का मूल जमीन के अंदर 1000 योजन तक है, सहस्रार नामक स्वर्ग तक ऊंचा त्रसनाली प्रमाण लंबे चौड़े क्षेत्र में वायुकाय रूप पुद्गल सर्वत्र आच्छादित रूप भरे हुए हैं। वायुकायिक जीवों के विक्रिया पाई जाती है, सो अतीत काल की अपेक्षा वहाँ सर्वत्र विक्रिया का सद्भाव होता है, यानी वायुकायिक जीव सर्वत्र है और अपने अपने क्षेत्र में वो विक्रिया भी करते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र उनमें बाकी नहीं जहाँ विक्रिया रूप नहीं प्रवर्तता, क्योंकि अतीत काल की अब बात करें इसलिए पूरा ही उस एरिया, पांच राज्यों वाली पूरी एरिया लिए, सहस्रार तक यानी पांच राज्यों एरिया कवर होती है, इसलिए एक राज्य लंबा चौड़ा और पांच राज्यों ऊंचा क्षेत्र हुआ, उसका क्षेत्र पर लोक के संख्यातवे भाग हुआ। पांच घन राज्य हुआ ना, और लोक है 343 घन राज्य, उसका संख्यात्वा भाग हुआ, बाकी तो हमने वो बात देखी थी, यानी वो वायु कायकों की घटित होती है इसलिए उसको इस तरह से ले लें। नहीं, वो ऐसा भरा हुआ नहीं है, वो वायु वात वलय वगैरह है वो बात अलग। अब हम यही रुकेंगे और बाकी कुछ चीज़ें है उस आपका प्रश्न भी बाद में देखेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है, आप स्वर्ग आदि में जाओगे तो क्या हमें अभी जैसे ही संबोधन करने के लिए आओगे? अच्छा, हमें पहले बोलना चाहिए। यदि हम राग में रम रहे होंगे तो वैराग्य दिलाने आओगे क्या, पूछ रहे? चलो अभी यही रुकेंगे।
बोलो 2400 भगवान।